मेहुल का नाम लिया तो इट डजंट मीन कि वो इंस्ट्रक्शन मेहुल के लिए ही है सिर्फ, दैट इज फॉर ऑल द स्टूडेंट. जब मैं बोलना शुरू कर दूं आपको चुप होना है एंड यू आर टू लिसन टू मी. फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ. कौन सा सही है? मीन से रिलेटेड क्वेश्चन सैंपल पेपर में से करवा रहे हैं. कॉल कॉन्सो व्हाट हैपेंड, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ सच दैट एबी इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर. एबी हमें गिवन है 1.2 सेंटीमीटर, डीई इज गिवन 1.4 सेंटीमीटर. व्हाई देयर इज सो मच नॉइज? मैं बोलना नहीं बट यू आर क्रिएटिंग अ डिस्टरबेंस, यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन द बोर्ड. आगे करो फिर पीछे वाले कहाँ करेंगे. सिंस मॉर्निंग यू पीपल आर सिटिंग, अब मैं अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करूं तो हो गया काम. नाउ इट्स ओके, शैल आई स्टार्ट? थैंक यू. डीई इज 1.4 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ, एरिया एबीसी एंड एरिया डीईएफ. Triangles are similar. Whenever you are given the triangles similar, the ratio of the areas is equal to the ratio of the squares of the corresponding side. AB ki corresponding kaun si side hai? DE. BC ki corresponding EF. And AC ki corresponding DF. But just still I am getting disturbed. जब मैं बोल रही हूँ आप लोगों की बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए. Listen to me. हाँ जी, क्या आएगा? ए बी सी और डी एफ के एरिया का रेशियो हमने निकाला. हाँ जी, ए बी अपॉन ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग डीई आपको ये गिवन है. सो व्हाट विल बी द रेशियोज ऑफ द एरिया? 1.2 स्क्वायर अपॉन 1.4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1.4. डेसिमल कट कर दो. दिस कैन बी रिटन इन दिस वे, मेक योर कैलकुलेशन सिंपल. नाउ साइड स्क्वायर लेके कटिंग कर दो. स्क्वायर लेके कटिंग करोगे तो कुछ स्टूडेंट बीच में ऐसे होंगे जिनको डायरेक्ट स्क्वायर नहीं पता होगा, तो बेटर टू कट इट आउट एंड देन स्क्वायर. गॉट दिस आंसर? नाउ द नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स आर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब बच्चे थ्योरम है हमारी, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स व्हेनेवर द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. बट इफ यू सी 2 से 2 6 या 2 7 का पॉइंट से पॉइंट कट गया, डेसिमल के बाद 1 1 था. अब मैं पूरा बताऊंगी, ये डेसिमल हटाया इनटू 10, ये डेसिमल हटाया इनटू 10, ये कट गए. अब 2 से आगे काट. नाउ इट्स फाइन. फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें दो सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है, उनके एरियाज गिवन है 9 एंड 16. देन द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर. लास्ट बॉय, व्हाट्स योर नेम? भाविक के साथ वाला बच्चा साकेत, स्टैंड अप एंड टेल मी दिस. गिवन एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब मुझे एरियाज गिवन है, I have to find out the ratio of the corresponding side. जब आपको पिछले क्वेश्चन में क्या था? एरिया निकालना था, रेशियो ऑफ साइड्स गिवन थी. जब साइड्स की रेशियो गिवन है उसका स्क्वायर कर दो, यू विल गेट द, क्या मिलेगा? रेशियो ऑफ द एरिया. जब रेशियो ऑफ एरिया गिवन है स्क्वायर रूट कर दो, यू विल गेट द रेशियो ऑफ द साइड. अब ये मुझे एरिया की रेशियो गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साइड्स की रेशियो निकालनी है. इसका क्या करोगे? रूट ले लोगे और पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ. सो द आंसर विल बी 3:4. क्लियर है ये?
जब एरियाज गिवन है, साइड्स की रेशियो निकालनी है तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे। जब साइड्स की रेशियो गिवन है, एरियाज की रेशियो निकालनी है तो क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सुन रहे हैं। टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैव इक्वल एंगल्स। अब ट्राइंगल्स आपको आइसोसेलेस गिवन है, मीन्स टू साइड्स आर इक्वल, तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी, सिमिलर प्रोपोर्शनल होंगी, सिमिलर है क्योंकि। एंड देयर एरियाज आर इन द रेशियो 16:25। आपको दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स गिवन है जिनके एंगल्स इक्वल हैं, तो क्या कंडीशन होगी, मैंने क्या बोला, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स गिवन है जिनके एंगल्स इक्वल हैं, तो ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। अब ट्राइंगल्स सिमिलर है, वी आर गिवन द रेशियो ऑफ देयर एरिया, एरिया की रेशियो हमें गिवन है 16:25, एंड यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट वो भी साइड बन गई, तो क्या लोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे, तो दैट विल बी 4:5। नेक्स्ट वन, अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ। ऐसा बुक में था क्वेश्चन, पहले कहा गया डायरेक्शन आपको अगर नहीं याद है तो यू वोंट बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। नॉर्थ की ऑपोजिट साउथ, नॉर्थ की तरफ अगर आपका फेस है तो राइट हैंड साइड पे आपका हमेशा ईस्ट आता है। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब उसने क्या कहा, अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट, 15 मीटर वो वेस्ट की तरफ गया, एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब यहाँ पे पहुंच के नॉर्थ किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कितना गया वो 8 मीटर। निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैन इस पोजिशन पे है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर द रूट, दैट विल बी 17। क्लियर, तो कैलकुलेशंस यू विल बी एबल टू डू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल, चलो विशेष बताओ मुझे ये, इन अ ट्रायंगल एबीसी, यू कैन राइट डाउन फॉर योर कन्वीनियंस। ट्रायंगल गिवन है मुझे एबीसी, इन दिस एबी गिवन है मुझे, बातें नहीं, एबी इज गिवन 12 सेंटीमीटर, BC is given 16 centimeter and CA is given 25 centimeter. तीनों sides मुझे given है. Then triangle ABC is acute angled, right angled, isosceles or equilateral. बिना किए. Pythagorean triplet है ये. वैसे मैंने उसको कहा था बताने के लिए. Now the next question you will tell. इक्विलेटरल में क्या होगा, तीनों साइड इक्वल, आइसोसेलेस में ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में स्केलिन ट्रायंगल इज नॉट देयर। सिट डाउन, स्केलिन ट्रायंगल की ऑप्शन गिवन नहीं है, अदरवाइज है ही। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाना है, it will satisfy that, so you will get your answer as right angled triangle. Next you will tell, if in two triangles, simple hai, haan ji, but and let him tell now, usko bolne dena, if in two triangles corresponding angles are equal, angles mujhe equal given hai, then the two triangles are, option A hai congruent, option B hai, yes, stand up at your place, maine kya statement bol liye, नेम क्या है आपका, तेजवीर, ओके, मैंने क्या स्टेटमेंट बोली है, ही विल रिपीट। बातें इतनी जरूरी है कि हम रुक ही नहीं सकते बातें किए बिना। क्या बोली है मैंने स्टेटमेंट, बहुत सिंपल थी, डोंट ब्लेम अदर्स। बच्चे आप टेंथ में हो, आपको अपना अच्छा बुरा सब अच्छे से पता है, कहाँ आपका नुकसान हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, यू शुड नो। सिट डाउन एंड कंसेंट्रेट।
repeating. If in two triangles corresponding angles are equal, then the two triangles are. आपको angles equal given है, उसने कहा दोनों triangles. अब आगे options क्या है? Triangles are congruent, similar, both congruent and similar, none of these. ये कौन बोल रहा था? आंसर कौन बोल रहा है? क्यों? अच्छा, बोथ कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर वाले कितने हैं? मैंने ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? अकेला कॉन्ग्रुएंट है, अकेला सिमिलर है, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट एंड नन ऑफ दी. सिमिलर अकेला. Jasleen ji, explain me why it is congruent also. Okay. ये मैंने दो equilateral triangles बना दी. Now clear? So whenever you are given only the angles are equal, you cannot say that the triangles are congruent. तो दोनों both वाला concept या अकेला congruent वाला गलत होगा. जब एंगल्स इक्वल गिवन है तो ट्राइंगल्स में भी प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनल में बच्चे अगर हमें लेट अस सपोज नहीं भी गिवन, ए बी और सी डी इक्वल है, देन आल्सो रेशियो इज नॉट रेशियो 1 फॉर ऑल द साइड प्रोपोर्शनल है वो, तो दैट इज सिमिलर. यानी कि ऑल द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो इसलिए आप यहाँ पे सिर्फ सिमिलर. ठीक है, क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन. अब ये ध्यान से, इन द ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई, राघव फिर बातें शुरू हो जाती है, फिर क्वेश्चन का एक भी पार्ट मिस हो गया तो आंसर नहीं दे पाओगे. इन द ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी. ट्राइंगल गिवन है हमें ए बी सी. अब यहाँ पे हमें डी और ई पॉइंट्स इस तरीके से गिवन है, डी ई जो है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाओगे क्या आएगा? 3/4.5. तो x is equal to, yes, x is equal to 3. 2 × 4.5, 9/3. चलिए नेक्स्ट में. Now the next question. Very busy in talking. ये chapter आपको पता है कितना typical questions इसमें आता है. Easy to complex I'm going. ताकि इस chapter से जो बैठे हैं सारे वो छोड़ ही दें बिल्कुल कि आना ही नहीं है हमें. हाँ जी, बोलूं मैं? डी ई पैरेलल बी सी, इफ द फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ए डी. ये सेम है, ये अब नहीं कर रहा, सेम वाले छोड़ दें. अब गिवन है हमें है अगेन ट्राइंगल ए बी सी, डी ई पैरेलल बी सी, ए डी गिवन है एच, दिस इज एक्स प्लस 1, दिस इज एक्स प्लस 3 एंड दिस इज एक्स प्लस 5. We are to find the value of x. Ratios equate करके बताओ क्या equation बनेगा? आपके answer बोलो. ठीक
चलिए इन केस अगर यहाँ क्वाड्रेटिक वाली टर्म्स कैंसिल आउट ना हो रही होती तो आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज को चेक करोगे, उसमें अगर कोई वैल्यू नेगेटिव होगी तो आपको क्या करना होगा, उसको रिजेक्ट करना होगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पुट करने पे अगर एक्स आपका मान लो नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पुट करने पे वो साइड भी नेगेटिव बन रही है तो उस वाली वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट वन, फिगर गिवन है, हाँ जी हाँ जी, ये फिगर हमें गिवन है, दिस इज ए बी, एंगल ए इज 90, एंगल बी इज 90, ओ बी इज 4.5, ओ ए इज 6, ए पी इज 4, क्या ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी, ये 90 है ये 90 है, वर्टिकली अपोजिट ट्राइंगल सिमिलर, तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, क्या रेशियो लोगे साइड्स के, क्या आएगा सिंपलीफाई करके, बेटे ट्रायंगल ये देखो एंगल ए बी के इक्वल है, ओ वाला ओ के इक्वल है, तो थर्ड वाला पी और क्यू इक्वल हो, तो रेशियो क्या आई, ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन बी। ठीक है, सी इज योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, इन ट्रायंगल ए बी सी AB is 6√3 centimeter, AC is 12 centimeter, and BC is 6 centimeter, then find angle B. AB 6√3, AC 12, and BC 6. एंगल जो है वो ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो एंगल बी जो है आपका दैट विल बी 90 डिग्री, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये, तो बी विल बी योर 90 डिग्री एंगल। नेक्स्ट सेम है अगेन, साइड्स की रेशियो 1/3 गिवन है, एरियाज की रेशियो विल बी 1/9। देन अब ये ध्यान से, ये मैंने वैसे करवाया भी हुआ है, बुक का ही है शायद, ABC is an equilateral triangle of side 2A, then the length of one of its altitude is, altitude का क्या formula होता है, 3/2 into side AD है ना, side B, अब यहाँ पे side आपको क्या given है 2A, so this will be root 3/2 into 2A, that is root 3A, तो ये ध्यान रखना है altitude of equilateral triangle, direct formula root 3/2 side, a नहीं करो यहाँ पे side करो, क्योंकि a आप assume करके चलते, जब side की value जैसे इस question में 2a given है, तो यहाँ उसको आपको 2a से replace करना है, तो accordingly जो altitude की length है that will change, clear? same way में जो आप a इसका formula लेते हो for the area, that will be root 3/4 into side square करोगे, a square नहीं करो। next हमें given है ABC is an isosceles right angled triangle with AC as 4 centimeter, then the length of AB, right angled at C. कैसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क किस पे डालना है, मैंने फिर मैंने बोल दिया जो गिवन था,
यस दिस इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ये फोर है तो ये भी फोर होगा। हाइपो के लिए विदाउट कैलकुलेटिंग अगर ये दोनों सेम होते हैं दिस इनटू रूट टू साथ ही हमेशा ये आता है, फोर स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ फोर स्क्वायर अंडर द रूट, फोर स्क्वायर रूट से बाहर लोगे तो दिस विल बी फोर रूट टू। So whenever you are having the equal sides or hypo निकालना है in the right triangle, तो यहाँ पे जो side की मैंने आगे root two लगा। Then next one, areas given है, ratio of corresponding sides निकालनी है। Areas given है 25 and 121. So what will be the ratio of the sides? 5 upon 11. Next one again BPT का है, that you can do. उससे नेक्स्ट वन ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू डीईएफ, राघव आप बताओगे अपनी। क्या तो ऐसे पूछते हो जैसे मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया हूँ, क्वेश्चन ही पुट कर रही हूँ ऑब्वियसली मैं। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ एंड वी आर गिवन देयर एरियाज आर 64 एंड मुझे 15.4 एंड आई हैव टू फाइंड आउट बीसी। दोबारा बोल क्या थ्योरम की थ्योरम का रिजल्ट बोल। हाँ अच्छा एरिया एबीसी अपॉन एरिया डीईएफ क्या आएगा। ओके इज इक्वल टू मेहुल दिस यू हैव टोल्ड ना, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी आपकी ऊपर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है वो भी ऊपर लेनी है आपको, तो BC के corresponding है we are having EF, तो BC square upon EF square, BC we are to find out and EF कितना given है, ये मैंने ठीक लिखा है, क्या आएगा 15.4 का square, simplify this and tell me the answer. कितना आएगा? So BC is 11.2 centimeter. Now the next one, two isosceles triangles are big. Next question is yours. उसको इतना भी नहीं पता कि मैं बुला रही हूँ। तो बिजी इन टॉकिंग और ये सारी रिकॉर्डिंग्स आज जिन जिन की मैंने नेम्स लिए ना पेरेंट्स के साथ में शेयर कर सो दैट दे कम टू नो कि कितनी अटेंटिवली यू पीपल सिट इन द क्लास। टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैव इक्वल एंगल्स, आर यू लिसनिंग टू द क्वेश्चन? एंड एरियाज आर इन द रेशियो 16:25, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट? एरिया का भी स्क्वायर आंसर बता मुझे, मैं नहीं रिपीट करूंगी। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर, हर जोबन दिस यू विल टेल triangle ABC is similar to triangle DEF such that angle A is 47, angle E is 63,
बेगुल ने तो ठेका लिया हुआ है सबको बताने का. Find angle C. You are given triangle to triangle ABC is similar to DEF. कौन सा एंगल किसके इक्वल आएगा उसको बोलने दो, बाकी सब अपने मुंह बंद. बच्चे लेट हिम टेल, वेट. मुझे यहाँ तक सुन रहा है तो उसको नहीं सुन रहा होगा. इतना टाइम ट्रायंगल सिमिलर है तो कौन से एंगल इक्वल होंगे? एंगल ए किसके इक्वल होगा? ऊंची बोलो. ओके बी एंड सी इट मींस एंगल ए 47 है तो डी भी 47 आ गया. बी 63 है तो डी 63 आ गया. सी निकालना है, ए और बी मुझे मिल गए. How to find the third angle of the triangle if you are given the two triangles? Angle sum property. Angle sum property लगाओगे, what answer you will get? So 70 degree will be your answer. Next वाला थोड़ा सा अलग है, ये ध्यान से देखना आप. In the given figure, angle CAB is 90 degree. Perpendicular is drawn from A to BC. Question बोल लूँगी. AD is perpendicular to BC and triangle BDA is similar to triangle BAC. Then the measure of AD is. ये direction देख लो. This is given 1 meter. This is 75 centimeter. And this whole side is 1.25 meter. We are to find the measure of AD. Triangles similar given hai to. इतना बड़ा मेथड हम यूज करेंगे, सिमिलैरिटी का कंसेप्ट नहीं लग सकता. ट्रायंगल बीडीए और बीएसी सिमिलर है तो कौन कौन सी साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग बनेंगी? अब कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है? एसी गिवन है, एडी मुझे निकालना है, बीसी मुझे गिवन है, एबी मुझे गिवन है. सो टेक दिस रेशियो एंड फाइंड आउट द आंसर. योर नेम इज ऋषि. मैम ये भी है कि मैम बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से लेक्चर होगा. राघव कंप्लीट दिस क्वेश्चन. जो बोल रहे हैं चीज उसको समझ आ गया, तभी बोलना शुरू किया. जब मैं पढ़ा रही हूँ ना, बेल डजंट इंडिकेट कि लेक्चर ओवर. नो, हाँ ए 90. मैंने सारा बता दिया, अब दस यहाँ वैल्यू शुरू करनी है. बीए कितने निकालना है? एसी बीए किसने बोला? वन. हाँ बीए वन है. बीसी एसी एस 75. अब मैंने यहाँ एक गलती की है. फाइंड आउट दैट मिस्टेक. क्या मिस्टेक है यहाँ पे, जल्दी से बताइए. 75 सेंटीमीटर में गिवन है दैट यू आर टू कन्वर्ट इनटू. क्या करें, छोटे से बड़े में सारे डिवाइड और मल्टीप्लाई. अब इसको सिंपलीफाई करो और आंसर ऑब्टेन करो. योर आंसर विल बी
60 सेंटीमीटर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चे, मेरी डाउट इज